हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पर जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहाँ पर एनर्जी होती है ना। तो इस क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है, हमें पता करना है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज 1.02 × 10⁻¹⁸ जूल पर मीटर क्यूब इन वैक्यूम। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू, देखेंगे यहाँ पर, यहां से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम लिखते हैं B² / 2μ0, है ना। यहां पर हम लोग लिखेंगे B₀² / 2μ0, जैसे कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां से अगर हमें बी नॉट की वैल्यू निकालना हो तो हमें कई सारे क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। बी नॉट की वैल्यू आएगी √2μ0u। u दिया हुआ है लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 1/μ0 ε₀। देखेंगे कि यहां पर सी दिया हुआ है यानी स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है यहां पर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट कहाँ दिया हुआ है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग यहाँ पर यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये होगा 4π × 10⁻¹⁷, और अगर ये आ गया तो हम लोग बी नॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी नॉट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √2 × μ0, म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4π × 10⁻¹⁷ u। u का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर दिया है 1.02 × 10⁻¹⁸, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.02 × 10⁻¹⁸। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 160 × 10⁻¹⁹ टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 160 नैनो टेस्ला। तो देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन है, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होना चाहिए।